रामपुर में बीते दिनों समाजवादी पार्टी और आजम खान को बड़ा झटका लगा था। तब आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान बीजेपी में शामिल हो गए थे और अब बीजेपी में शामिल होते ही उन्हें सरकार की तरफ से पुलिस सुरक्षा भी मिल गई है, जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल कभी जिला बदर रहे फसाहत अली खान पर कई मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन बीजेपी में जाते ही उन्हें सुरक्षा मिली तो सवाल उठना तो लाजमी है। हालांकि सुरक्षा को लेकर फसाहत अली खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा वो प्रशासनिक रास्ता होता है, जबकि ये सब चीजें LIU तय करता है। सानू ने कहा, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जान से मारने की धमकियां आ रही हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर एक बड़े चैनल के पत्रकार ने मुझे रात 2 बजे फोन कर कहा था कि आपकी जान को खतरा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा बीजेपी के पास वो वॉशिंग मशीन है जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। ये वॉशिंग मशीन केवल बीजेपी के पास ही है, जबकि सपा के पास वो वॉशिंग मशीन नहीं है। जिसके दाग कभी नहीं धुल सकते। मुकदमों का मामला न्यायालय का है, न्यायालय के मामलों में बोलना अभी सही नहीं है। वो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, ये सारी चीजें LIU तय करती है, इंटेलिजेंस तय करती है, आपको नहीं मालूम है। हालांकि मैं नहीं कहना चाह रहा था, किस तरह मुझे जान से मारने की धमकी आ रही है एक बड़े चैनल के, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े चैनल के जो ऑनर होते हैं, उन्होंने मुझे रात के 2-2.5 बजे मुझे फोन करके कहा कि फसाद शानू साहब, आपकी जान को खतरा है। शाहजेब खान को भी समझाना, उनकी जान को खतरा है। आप लोगों पर हमला किया जा सकता है, आप लोगों पर एसिड अटैक किया जा सकता है, आप लोगों पर तेजाब फेंका जा सकता है। इस तरह के अब मैं इन छोटी बातों को चुनाव का वक्त करना नहीं चाह रहा हूँ। मैंने कभी पूरे चुनाव में हल्की बात नहीं करी है, मैं करना नहीं चाह रहा हूँ हल्की बात। बता दें कि फसाहत अली खान सानू बीते लंबे वक्त तक आजम खान के साथ रहे, जिसके चलते उनके ऊपर कई केस भी दर्ज हैं और बाद में उनको जिला बदर तक होना पड़ा था, जबकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, जिसके बाद अब उनको मिली सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं।